हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूं अहमदाबाद में, और आज हम बात करने वाले हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। हम ये देखेंगे कि क्या होमोसेक्सुअलिटी कोई मेंटल डिसऑर्डर है या एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता क्या होती है? किसी भी सेक्स का, मतलब मेल या फीमेल का, सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होना विथ और विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप। प्रीडोमिनेंट सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर सेक्स, सेम सेक्स, उसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। अगर कोई मेल है, कोई आदमी है, वो अगर सिर्फ आदमी को देख के अट्रैक्ट होता है, औरत को देख के नहीं, ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो, और ये जो अट्रैक्शन है वो प्रीडोमिनेंट होता है, तो वो होमोसेक्सुअल कंसिडर कहा जाता है। वैसे ही एक औरत, एक लड़की, अगर किसी और लड़की को देख के अट्रैक्ट होती है, तो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जा सकता है। दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत सालों से, सदियों से ये चीज़ समाज में देखी जा रही है। कुछ देश ऐसे थे इनिशियली जिन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और उसको एक दर्जा भी दिया गया। जैसे ग्रीस, एथेंस जैसे देश जो थे, वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी सालों से बहुत ही कॉमन और नॉर्मल कंसिडर की जाती थी, और लोग बहुत ही ओपन थे अपनी होमोसेक्सुअल बिहेवियर, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर। जबकि दूसरे देश ऐसे थे जहाँ होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम कहा जाता था, और उसकी पनिशमेंट डेथ तक भी हो सकती थी। दोस्तों, सिगमंड फ्रॉयड, जो साइकेट्री और साइकोलॉजी के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने ये थियरी दी थी कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो बाईसेक्सुअल होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और स्ट्रांग होता जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसका अट्रैक्शन किस सेक्स की तरफ है, या वो सेम सेक्स की तरफ है या ऑपोजिट सेक्स की तरफ है। और वही चीज़ सामने निकल के आती है जो विन कर जाती है दूसरी चीज़ को। अगर हेटरोसेक्सुअलिटी विन कर जाती है तो आदमी हेटरोसेक्सुअल हो जाता है, अगर होमोसेक्सुअलिटी विन कर जाती है तो आदमी होमोसेक्सुअल हो जाता है। उन्होंने इनिशियली ये भी कंसिडर किया कि जो होमोसेक्सुअलिटी होती है वो एक बीमारी होती है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। उन्होंने बहुत तरीके से होमोसेक्सुअल बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने साइको एनालिसिस का उपयोग किया, उन्होंने काउंसलिंग थेरेपी का उपयोग किया, उन्होंने मेडिसिन का उपयोग किया, लेकिन कहीं पे भी कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिला। तब जाके उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी नहीं है, उन्होंने ये कंसिडर किया बाद में। जो बुक अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 1952 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को एक मेंटल डिसऑर्डर कहा गया था। दोस्तों, जितनी भी साइकेट्री या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होती हैं, वो सारी इस बुक में मेंशन होती हैं। अगर इस बुक में कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ बीमारी नहीं है। जैसे जैसे इसका और वर्जन आता गया, इसमें और अपडेट्स आते गए, वर्जन 2, वर्जन 3, धीरे धीरे होमोसेक्सुअलिटी को इस में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मिले, और 1977 में होमोसेक्सुअलिटी को कम्प्लीटली DSM, मतलब इस बुक से रिमूव कर दिया गया। उसका मतलब ये हुआ कि 1977 के बाद होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं रहा, उसको वहाँ से निकाल दिया गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन से उसको दूर कर दिया गया। DSM जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसमें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, जाने माने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, और अकॉर्डिंगली उसमें अपडेट्स लाते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं। और होमोसेक्सुअल बिहेवियर को लेकर जैसे जैसे स्टडी होती गई, वैसे वैसे पता चला कि होमोसेक्सुअलिटी कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसलिए अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन ने उसको डिलीट कर दिया। दूसरी एक बुक है जिसको दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं, वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD, जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको पब्लिश करता है। ये भी बहुत जानी मानी बुक है। इसमें भी हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर को मेंशन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ICD का जब तक 9th वर्जन आया था, तब तक होमोसेक्सुअल बिहेवियर को एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहा गया था, लेकिन उसमें भी रिविजन करके, उसको भी अपडेट करके, होमोसेक्सुअल बिहेवियर, होमोसेक्सुअलिटी को उससे दूर कर दिया गया, उसको वहाँ से भी रिमूव कर दिया गया। मतलब हर एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आज के दिन में जो बुक रिफर करता है, जो पढ़ाई करता है, जो रिसर्च किया है, उसमें होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है। तो अब ये देखें कि होमोसेक्सुअलिटी होती क्यों है।
तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ थियोरी ऐसी है, जैसे सिगमंड फ्रॉयड की थियोरी ऐसी है कि जो सेक्सुअलिटी विन कर जाती है, इंसान का ओरिएंटेशन भी वही रहता है। कुछ थियोरीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि होमोसेक्सुअलिटी बायोलॉजिकल होता है, मतलब इंसान जब पैदा होता है तो वो होमोसेक्सुअल ही होता है, पैदा होने के साथ ही वो होमोसेक्सुअल होता है, बाद में कोई चेंजेस नहीं आते उसमें और वो लाइफ टाइम होमोसेक्सुअल रहता है। कुछ थियोरीज दोस्तों ऐसी हैं जो कहती हैं कि इंसान इनिशियली जो है वो मतलब समाज के तौर तरीके से सीखता है कि भाई हाँ हेटरोसेक्सुअल बिहेवियर नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि नहीं, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी और चीज़ की तरफ है और वो एक्सक्लूसिव फिर होमोसेक्सुअल हो जाता है, हेटरोसेक्सुअल नहीं रहता। तो ये कुछ थियोरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि होमोसेक्सुअलिटी किस तरह से होती है। दूसरी एक चीज़ ध्यान में रखने लायक ये है कि होमोसेक्सुअलिटी को ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, समाज में इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो पिछले 150 सालों से हमारे देश में भी होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम ही कहा जाता था। आर्टिकल 377 सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में उसको जब रिवोक किया, उसको जब नाबूद किया, उसको जब हटा दिया गया, तब कंसिडर हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी अब से इंडिया में कोई क्राइम नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी ना ही कोई मेंटल डिसऑर्डर है ना ही कोई क्राइम है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट होमोसेक्सुअलिटी को ना तो कोई क्राइम समझता हूँ ना तो कोई मेंटल हेल्थ इशू समझता हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं, आपका जो भी रवैया है, आपकी जो भी सोच है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।